मेरे चारों तरफ देख रहे हो आप, ये जंगल ही जंगल ये देख रहे हो चारों तरफ। और मैं जो है ना अभी जो है सबसे ज्यादा ऊंचे टावर पे खड़ा हूँ। कौन सा जगह है आप इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है ना गाइस मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी, जो बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है। उसके अंदर जो है वो झील भी है। वहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को पूरा फुल व्यू दिखाने वाला हूँ। वो हम जसोला में है, ठीक है, बस थोड़ी दूरी का यात्रा और तय करेंगे हम। आप देख रहे होंगे मैं आप लोगों को जो है ना सामने का व्यू दिखाता हूँ। यूसुफ भाई, हेलो गाइस, यूट्यूबर है भाई और ज्यादातर आपको जो है ना फॉरेन कंट्री का जो है ना वीडियो मिलेगा इनके चैनल पर। अगर आपको मेरे चैनल पे देखना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोर्न टू जर्नी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे आपको फॉरेन के वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। मेरे बहुत सारी कंट्री में विजिट कर चुका हूँ और काफी टाइम से मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो अब मैं दोबारा से यूट्यूब अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली से और उसके बाद में फिर आपको एक नई कंट्री लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये रहा गाइस ओखला बर्ड सेंचुरी। तो चलिए हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। हम जो है ना कार से आए हैं यहाँ पर और वहाँ पर जो है बर्ड सेंचुरी के पास जो है ना वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। बाइक तो आप बाहर लगा सकते हो, अगर लगाओगे भी तो उसकी गारंटी नहीं है कोई उठा के ले जाएगा। तो कार जो है ना हमने यहाँ पर लगाया है, आप पीछे देख रहे होंगे। ये मेट्रो का जो है ना पार्किंग है, आप इस तरफ मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो है ना मेट्रो का पार्किंग है। कार से अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो है 30 रुपये में 6 घंटा तक जो है ना आप कार को लगा सकते हो यहाँ। और जस्ट पार्किंग के इस तरफ से यहाँ से जो है ना हमें अंदर चलना है और ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो आप, यहाँ से जो है ना हमें बाहर की तरफ चलना है। ठीक है, तो चलते हैं अब। और यहाँ से जो है ना गाइस हमें उस तरफ चलना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वहाँ ज़्यादा दूर नहीं होगा, आधा किलोमीटर दूर भी नहीं होगा, यहीं पास में ही है। ठीक है गाइस, गैस जैसा कि आप देख रहे होंगे वो मेट्रो स्टेशन है और मैं इस फ्लाईओवर से जो है ना इस तरीके से बाहर निकल करके आया हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो है ना गाइस चल करके उस तरफ चलना है हमें अब। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बर्ड सेंचुरी, ये मेन दरवाजा है। यहाँ पर जो है ना फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो जगह देख रहे हो ना आप, यही है। यहाँ पर जो स्कूटी वगैरह अगर आप खड़ी करोगे तो वो अपने रिक्स पर करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है नो पार्किंग। और यहाँ पर जो है ना आपको कुछ भी खाने पीने का चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो पहले दुकान लगा करता था वो भी बंद है। तो गाइज ये जो है ना मेन एंटर गेट है। तो अब जो है गाइज हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर देख रहे होंगे गाइज इस तरीके का जो है ना पक्षी परिंदा जो है वो आप लोगों को जो है ना वो दिखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये गाड़ी है, इसके चार्ज लगते हैं 30 रुपये। आप यहाँ से जो है ना आप अंदर की तरफ जा सकते हो, 30 रुपये चार्ज लगेगा। और यहाँ पर जो है ना वो टिकट काउंटर है, तो चलिए हम टिकट लेते हैं। अब टिकट लोगे आप 30 रुपये पर पर्सन का टिकट है। और यहाँ पर एक व्यू है, इसकी तरफ चलते हैं और आप लोगों को जो है ना इसका व्यू दिखाते हैं। इतना बेहतरीन है ओखला बर्ड सेंचुरी और यहाँ पर भी जो है हम जा सकते हैं। ये काफी जो है सकदम हो रहा है यार, ये तो हिलने वाला है गाइस। आप देख सकते हो कितना सारा कुंभी है यहाँ पे, कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर भी। देखो आप, अगर अभी जैसे धूप है शाम के टाइम पे तो और भी मजा आएगा यहाँ पे। तो बहुत बड़ा है यार, देखने में है ना। और यहाँ पर जो है ना बैठने का नाव भी है, इस पर बैठते हैं यार। इस तरीके से बनाया गया है, ये शाम के वक्त यहाँ पे आप बैठकर आराम से स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। और ये व्यू शानदार व्यू है, बेहतरीन है यूसुफ भाई, बढ़िया जगह है काफी।
अभी जो है ना मैं वहाँ पर था और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो बोट है, ठीक है। और यहाँ पर से जो है ना हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये सारे जो है ना बोट जो है, ये सारे जो बर्ड जो है वो अंदर को दिखने को मिलेगा। ये देख रहे हो आप, ये जितने भी फोटो लगे हुए हैं ना वो सब आपको जो है ना पक्षी जो है वो अंदर दिखने को मिलेगा। गाइस गर्मी इतनी है, मेरा पूरा जो है ना शर्ट जो है वो गीला हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जगह है बैठने वाला, ये देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत है। शाम के टाइम में जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। अभी जो है वो धूप भी है। और एक चीज़ में और आप लोग ये देख रहे हो, इन सब से मुलाकात हो सकती है आपको अंदर। यहाँ पर अगर आप बैठो तो सांप का जो है ना ध्यान रखना, क्योंकि ये कहीं पर भी आ सकता है। ये शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि गाड़ी भी लगी हुई है, 30 रुपये है ना पर पर्सन चार्ज है। आप जो है ना उस गाड़ी में बैठ करके जो है ना पूरा इसका मज़ा ले सकते हो। यहाँ पर जो है आने के बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर जो है वो कपल है यहाँ पर। एक ये लोकेशन है जो काफ़ी बेस्ट लग रहा है मुझे। शाम के टाइम में जो है ना इधर का व्यू जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। आवाज़ गूंज रही है क्या यहाँ पे? नहीं गूंज रही, हल्की सी है ना। गाइस यहाँ पर जो है ना वो वॉच टावर है, यहाँ पर दो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वॉच टावर जो है ना उस पर चढ़ूँ भी और आप लोगों को व्यू दिखाऊँ उसका वहाँ पर का। गाइस फाइनली ये जो है ना दूसरा बोर्ड है, आप देख सकते हो। गाइस फाइनली जो है वो अब जो है इधर से जो है ना हम बाहर की तरफ जाएंगे, चाहे तो हम जो है ना उस गाड़ी से भी चल सकते हैं। गाइस जंगलों में घूम रहे हैं हम गाड़ी से। अभी तो गाइस बारिश हुई थी लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो बंद हो गई बारिश। और पहले तो हम पसीने में गीले थे और अब जो है वो अब बारिश के पानी में गीले हो गए। ये एग्जैक्टली कितना किलोमीटर है ये रास्ता? ये पूरा राउंड करके 3.5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ये पूरा राउंड करके जो है ना 3.5 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है गाइस। कभी भी आओ ना आप, वो ये रिक्शा है, टूरिस्ट वाला रिक्शा, ये देख रहे होंगे आप। इस रिक्शे से जो है ना आप जो है पकड़ के पड़ता है ना आना जाना। अच्छा मेन गेट से पूरा जो है लास्ट तक वहाँ तक पड़ता है। साफ साफ होते हैं यहाँ पानी में। कौन सा मौसम के समय में बढ़िया रहता है आने में यहाँ पे? गाइस अगर आप यहाँ पर कभी भी विजिट करो तो अक्टूबर और नवंबर में यहाँ विजिट करो, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में जो है ना काफ़ी बढ़िया रहता है ये। कुछ नाम है भाई साहब का, तो जब भी आप यहाँ पे थक जाए तो आप इनके आपकी नज़र पड़ जाए तो इनसे आप लिफ्ट मांग लेना। हमने तो मांगी, लिफ्ट नहीं दे रहे, पैसे लोगे क्या? गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम जो है ना गाड़ी से यहाँ पर उतर चुके हैं, ठीक है। और गाड़ी से उतरने के बाद जो एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है ना ये हमारा वॉचिंग टावर की तरफ जा रहा है, तो हम इस तरफ चलेंगे। आपको इस तरफ नहीं जाना, हम इस तरफ चलेंगे। फाइनली जो है वॉचिंग टावर के पास जो है ना पास ही हम आए हैं, अभी एकदम बिल्कुल पास में नहीं आए हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हो इस तरफ हमें चलना है और इधर जो है वो जंगली जंगल है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम गांव के खेत में चल रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। गाइस ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये वाला जो रास्ता है ये जो है काफ़ी पहले जो है ये टूटा हुआ था, समझ रहे हो ना। पहले ये नहीं था, अब जो है इसको जो है ना वो बढ़िया तरीके से जो है वो बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे इस तरफ कि
पूरे में जो है ना वो जंगली जंगल है। ये देख रहे हो आप, तो इस तरफ का आप व्यू देख सकते हो। ये देखो आप, पूरे में इधर जो है ना वो पानी ही पानी है, और इस तरफ जो है वो पानी ही पानी है, और आगे भी देखोगे आप तो वो पूरा जो है वो जंगली जंगल है। तो मैं जो है ना, क्योंकि इधर अगर आप आओ तो सावधानी से आना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सांप वगैरह भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को जो है ना शुरू में ही बता दिया था कि सो समझ करके सही जगह पर बैठे। वॉचिंग टावर के लिए जो है ना गाइस, हमें जो है दो रास्ता है, एक तो इधर है एक इधर है, लेकिन वॉचिंग टावर के लिए हमें इस रास्ते की तरफ चलना है। जंगल में भी जो है ना बैठ सकते हो आप, यहाँ पर बैठने का भी जो है ना सुविधा वगैरह है। ठीक है, ऐसा लग रहा है यूसुफ भाई कि हम अपने गांव में आ गए। मजाक से हटके सीरियसली, मेरा गांव ऐसी है जंगली जंगल। मुझे तो ऐसा लगता है गाइस कि इतना अंदर तक तो कोई आता भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्स वगैरह तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि जो है ना हमारे गांव में जो है ज़्यादातर रास्ता इसी तरीके का है, हमें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। अरे बुरा लग रहा है यार, चलो वापस वापस चले यहाँ से यार। वॉचिंग टावर है ही नहीं यार यहाँ पे, कहाँ है? ये किस चीज का पेड़ है? मुझे लग रहा है गलत आ गए हम। ये रहा ना, ये रहा सामने। कहाँ है? ये रहा। दिख रहा है तुम्हें? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। गाइस फाइनली इतने मेहनत के बाद जो है वो दिख गया। तो गाइस फाइनली जो है मैं ऊपर आ चुका हूँ। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जो है हम थक चुके हैं, हम और यूसुफ भाई, और ये ब्लॉग वाकई में हमें बहुत भारी पड़ गया। लगभग इस टावर तक आने में जो है ना हम 5 से 6 किलोमीटर चले होंगे यूसुफ भाई, 5 से 6 किलोमीटर जो है ना हम चले हैं। और आपने देखा है रास्ते में कि किस तरीके से जो है ना जंगल है, पूरे में पानी ही पानी है। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे होंगे बिल्डिंग पीछे, और अभी मैं आपको चारों तरफ से व्यू दिखाऊंगा। गाइस एक जो है ना वॉचिंग टावर उधर भी है, आप देख रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ेगा आपको। जहाँ पर अभी हम है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। आई होप कि ये ब्लॉग जो है ना आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं इसी तरीके का वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरी मेहनत भी देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।